जंगल का एरिया जैसे, और ये जंगल नहीं खेत है, और आजकल काफ़ी हरे भरे होते हैं क्योंकि आजकल धान धून सब खत्म हो चुका है, तो खेत पड़ गए खाली। और क्या बोलते, बस्या नहीं बोलते, बस्या, तो वो पूरा खेतों में आजकल हो रखा है और बहुत ज़्यादा तादाद पे हो रखा है। ये देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए खाली बस्या हो रखा है। और आजकल तो गाँव में दाल हो गई, सब्जियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत हद से ज़्यादा हो रखी है। तो ये देखिए यहाँ है, ये है पहाड़ों में रहने का मज़ा, कितना आनंद आता है ना पहाड़ों में रहने। तो शुरू करते हैं ब्लॉग, ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होने भी चाहिए आप लोग स्वस्थ। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं हूँ राजगौर। तो करते हैं ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो आपने देख ही रहे होंगे, मैं चल रहा हूँ अभी इन हरे भरे खेतों के बीच, और काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, तो मैं इनका आनंद ले रहा हूँ क्योंकि हरी भरे में मज़ा भी आता है। ये देखिए मेरे पीछे ये सारे केले के पेड़ हैं, देख रहे होंगे आप लोग, ये सारे केले के पेड़ हैं। इधर देख सकते हो आप कि ज़्यादातर केले होते हैं, तो हमारे गांव में ज़्यादा केले होते हैं, बल्कि अब कम होते हैं, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। तो बीच में जैसे सुअर आ गया था, तो सुअर आते थे ना तो वो तोड़ देते थे, तो होते नहीं थे, बट अभी है थोड़ा बहुत, लेकिन जो पहले होते थे ना बहुत ज़्यादा, तो अभी कम है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहा है और कौन सा रास्ता है, तो मैं बताता हूँ आपको, मैं रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ खेतों के रास्ते, एक खेत से दूसरे खेत, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा जब मैं सोंटे लगाने निकालने गया था, तो वहाँ पे मैं रास्ते से नहीं जा रहा था, खेतों से जा रहा था। तो रास्ता लॉन्ग पड़ता है ना, तो खेतों में मज़ा आता है जाने में, और जल्दी भी पहुँच जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहा है, तो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर, वहाँ ऊपर। अब क्यों जा रहा हूँ वो मुझे वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि मुझे मम्मी ने बुलाया था कि अगर वो काम, घर का काम हो जाए तो ऊपर आ जाना, तो मुझे भी नहीं पता अभी क्यों बुला रखा है मम्मी ने। तो मैं सिर्फ जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है, लेकिन बता रहा हूँ वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो फाइनली ये है रास्ता, अब पहुँचा मैं रास्ते में। तो ये देख सकते हो आप, आजकल ना चारों तरफ हरा भरा हो रखा है बिल्कुल। तो जो मैं केले की बात कर रहा था ना, तो कभी इस खेत में ना बहुत सारे केले होते थे, मतलब ये पूरा खेत केलों से भरा रहता था, लेकिन अब देख सकते हो आप कोई कोई है तो ज़्यादा केले भी नहीं है, और धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है पहाड़ों में भी। पहले पहाड़ों में बहुत कुछ था, बट धीरे धीरे जो लोग थे वो प्लान कर रहे हैं, और जो खेत थे वो बंजर हो रहे हैं, और काफ़ी चीज़ों में कमी आ रही है। और अभी मैं यहाँ से आवाज़ दूंगा मम्मी को, मम्मी है कहाँ, तो बुलाया था मुझे माँ ने, जा रहा हूँ ऊपर। तो ये पीछे है हमारा गांव, और ये गांव से जाता है ये रोड सड़क में, इस रोड पे मैंने ब्लॉगिंग कर भी रखी है पहले, आपने देखा होगा एक बार हम वहाँ जा रहे थे, क्या बोलते चोपड़ा गाँव, तो यहीं से ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी मैंने। तो यही वो रास्ता है, और दोबारा मैं इस पर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं इस रास्ते पे आया ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे है हमारे दादी जी, और वो निकाल रही है घास। तो ये देखिए पहाड़ों की महिलाएं कितना काम करती है, अभी इन्होंने घास निकालना, उसके बाद घर जाएंगे, ये खाना बनाएंगे, बहुत सारा काम करेंगे। हाँ, तो शायद मुझे लग रहा है जिस काम के लिए मुझे बुलाया था वो काम हो चुका है, मम्मी ने जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो चुका है। फिर भी जाता हूँ मैं और देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अरे तुम लेट के ले गया, तो उधर मम्मी से बुला रही है कि
मैंने जो काम था वो कर दिया, तो मैं वैसे भी आपको दिखाऊंगा कि कौन से काम के लिए मैं जा रहा था और क्या था उसको दिखाऊंगा। चलता हूँ आगे, बाप बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तो ये देखिए पीछे, ये है हमारे भाभी जी, और भाभी जी ने घास का वो देखो कितना बड़ा भाड़ा निकाल रखा है, काफ़ी मेहनती है। और अभी इनके ना चार जानवर है, चार भैंस। तो अभी सुबह इन्होंने बोला था कि कोई लेने वाला है तो बता दें अगर कोई है। तो ये देखिए गिर गया तो भाभी जी गिर गई है वहाँ पे, और मैं उनको उठाना चाहता हूँ। तो ना तो ढंग से हो तो है सनी माँ, ना ध्यान कैमरा पर, और बटे बटा हो तो उल्टा बटा होने मेरे। तो ये देखे यहाँ पे ये घास के तो यहाँ देखे भाभी जी गिर गए ऊपर, उठो जी रुक जा ले ना तो पाँच बहुत तो ते ढूंगा मोहनी यो काम करना दोबारा लोगो ये पा। अच्छा तो यहाँ पे आपने देखा होगा भाभी जी ला रहे थे घास का भारा और गिर गई, हालांकि चोट नहीं लगी, अच्छी बात है। और वो घास अभी यहाँ पे लगाएंगे, मतलब के लिए बुलाए हो? ओ तो मुझे इसलिए बुला रखा है यहाँ कि आजकल यहाँ चल रही है घास की कटिंग, क्योंकि यहाँ चल रहा है एक काम जो ये बिजली का है ना, हाई पावर वाली लाइन आ रही है ना, तो वो लाइन आ रही है, तो यहाँ पेड़ कटे जा रहे हैं खेतों के, तो जब पेड़ कटेंगे तो घास बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए पहले घास काट रहे हो और उसके बाद वो पेड़ गिराएंगे। अभी तो ऊपर गिरा रहे हो पेड़ ऊपर मेहमान को जी। ओ यहाँ पे देखो, अभी ये देखो यहाँ पे घास काट रहे हैं, तो ये काटने के बाद इनको पेड़ पे लगा जाएगा, क्योंकि ये अभी नहीं काटना था लेकिन कुछ समस्याएं हैं तो इसीलिए इनको काटना पड़ रहा है। तो ये है बबीता, और बबीता यहाँ पे भाड़ा लगा रही है। अभी पा रहा हूँ भाई वहाँ पड़ी, क्यों भाड़ा है। और ये है बबीता, तो ये भी यहाँ पे घास निकाल रही थी, और ये जो आपने देखा अभी घास निकाल लिया ना, तो इनको पेड़ पे लगाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ हाई पावर की लाइन जा रही है, तो जो ये जैसे बड़े पेड़ ना हमारा पेड़ है, तो ये पेड़ कटेगा। बोल रही है कि वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं लड़के वाला काम, तो मैंने कहा कि अगर एक बार आप लोग बना दो वीडियो कैसे लगती है। बोलने के लिए बहुत आसान होता है लेकिन जब करता है ना तब चलता है पता। तो यहाँ घास लगा ली, अरे तो मैं क्या बोला था गौर मुझे फर्स्ट क्लास घास बोल ले मैं कौड़ी ना कॉलिंग आना। तो यहाँ पे मम्मी ने घास निकाला, ये देखिए खेत बिल्कुल साफ कर दिया इधर, और इधर से इधर भी साफ हो रखा है, और ये लगाया पेड़ पे। तो इसी के लिए बुलाया था मुझे यहाँ कि घास निकालना है और पेड़ पे लगाना है, लेकिन मैं लेट में आया क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था, तो इसी चक्कर में लेट हो गया, तो मम्मी ने खुद लगाया शायद, तो इसी के लिए मैं आया था और इसी के लिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको कुछ बीच में इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखेगी कि वहाँ पे भाभी जी गिर गई थी और यहाँ पे बबीता था। तो ये पता है ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, खेणा दानी होती है खाने के लिए, तो इस पे हम पहले पान बनाते, जैसे पान होता है ना बाजार में, तो हम घर का पान बनाते थे और उसको खाते थे। बट अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ पे है वो, और ये मम्मी है यहाँ पे, और मम्मी ने इतना सारा काम कर दिया यहाँ पे, और मैंने भी बहुत काम किया ऐसे। अच्छा ये लेट आया है वो अलग बात है। तो वो वाले पता यहाँ नीचे होंगे लेकिन यहाँ घास है तो दिखाई नहीं देगा, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ कैम होगा तब लिखा जा रहा हूँ, पहले उसको खोजू यार पान आप पता नहीं खोजा। तो गाइस सॉरी मिल नहीं रहा है अभी। तो ये था पान, गढ़वाली पान बोलते हैं इसको, गढ़वाली पान, और इसको ऐसे इसके अंदर उसको रखते थे, ऐसे करते थे और उसके बाद इसको चबाते थे, काफी अच्छा स्वाद आता था। अब यहाँ से ऊपर काजल बोले कि घरेलू पान, तूने खाया छो क्या खाई रंजनी? हाँ अरे सी पता नहीं ना मीना पता कौन था यो खाली तेरे घड़ो पता मिल खाली यो भी तो बनिया मुल पूना माँ। तो ये जो ये एरिया है ना यहाँ का, जो ये वाला एरिया है यहाँ, तो ये पूरा पेड़ों से भरा हुआ था, लेकिन
सब कट चुके थे, देखो सांप और कौवा। यहाँ से थोड़ा दूर दिखेगा लेकिन सांप नहीं दिखाई दे रहा ना। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बीच में पेड़ ये देख सकता हूँ, ये सारे पेड़ कट चुके हैं यहाँ से, और ये पेड़ यहाँ से कटेंगे, और यहाँ से ये वाला पेड़ भी कटेगा, ये भी कटेगा, और यहाँ से सीधा टावर जाएगा, ये जो ये बड़ा पेड़ है यहाँ कटेगा, और उधर गांव में जाएगा एक टावर, वहाँ लगेगा, और उसके बाद चल। और ये ला रही है घास का भारा, और इसको लगाएंगे अभी उधर पेड़ पे। कमलाण जानियो पार उड़ा, तो ये देखिए किसान लोड़ी, इसको बोलते हैं किसान। और ये यहाँ पे है, यहाँ पे आजकल सब ज्यादातर लोग घास ही काट रहे हैं। ये देखो ये बार बार आज घिरते रहे भाई, इनकी ये जो खराब थी कहता जाने जा तो मुड़ जान जरूर जो। ये देखे आज ये दो बार गिर गए हैं भाभी, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, क्यों क्योंकि मजा आ गया, मजा आ रहा। तो यहाँ पे लगाया हमने ऐसे, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे पेड़ पे लगा रखे है, और जब ये सूखेगा तब इसको घर पे ले जाएंगे, और सूखने के बाद इसको बोलते हैं ऊ, अभी तो इसको क्या बोलते हैं घास, लेकिन जब सूखता है ना बोलते मतलब। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इधर, और मम्मी लोगों ने भी घास निकाल दिया, सब ने घास निकाल दिया, और सब घर की तरफ जा रहे हैं अब। तो चलते हैं घर की तरफ, और करते हैं वीडियो यहीं पर एंड। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाने की कोशिश करें। और जस्ट अभी लाएंगे आपको नया ब्लॉग, तो नए ब्लॉग में मिलते हैं, और करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे। तो थैंक यू सो मच आप सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।